हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा गुप्ता। आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता की रणनीति के क्रम में उन युवाओं के लिए गाइडेंस क्लासेस को लेकर आई हूं जो ऑलरेडी अन्य सेवा में कार्यरत हैं और चाहते हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना। तो साथियों, क्या हो रणनीति, ऐसे युवाओं के किस प्रकार से रणनीति बनानी चाहिए, किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए कि वो सुनिश्चित सफल हो जाए, तो आज इसी क्रम में क्लासेस लाया गया। लेकिन ये क्लास मैं उन तमाम युवाओं से चर्चा के क्रम में आप सभी के बीच ला रही हूँ जो ऑलरेडी अन्य सेवा में कार्यरत थे और एक सुनिश्चित स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए इस परीक्षा में न सिर्फ सफल हुए बल्कि बेहतर रैंक को भी अचीव किए। तो साथियों, जैसे मान लीजिए आपका जो सेवा का समय है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, तो क्या हो आपकी रणनीति, कैसे आप तैयारी करी कि आप सफल हो जाए। ये मान के चलिए यदि आपका जो सेवा का काल है 9 से 5 बजे, तो अमूमन हर जगह लगभग एक दिन का अवकाश होता है, बहुत जगह 2 दिन का अवकाश होता है। जैसे उत्तर प्रदेश सचिवालय में 2 दिवसीय अवकाश है, शनिवार और रविवार। तो यदि इस प्रकार यदि आपके कार्यालय में 2 दिवसीय का अवकाश आपको मिलता है, तो उसके लिए आपको मैं एक नेक्स्ट या इसी में अगर समय मिलता है तो कुछ अलग से टिप्स बताऊंगी जिसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। तो जानिए 9 से 5 बजे में यदि आप अन्य सेवा में कार्यरत हैं और किस प्रकार से आप तैयारी करते हैं। साथियों, ये देखिए, यदि आप 9 बजे से लेकर 5 बजे तक अन्य सेवा में कार्यरत हैं तो आपको एक सुनिश्चित रणनीति बनानी होगी। सबसे पहले आपको सिलेबस का गहन अध्ययन करना होगा। जब आप सिलेबस का अध्ययन कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है इस एग्ज़ाम के प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्य परीक्षा में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस एक अंतर होता है कि मुख्य परीक्षा में एक निबंध का एक एक्स्ट्रा पेपर पूछा जाता है जिसमें 3 निबंध पूछे जाते हैं, और हिंदी का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसमें लेटर राइटिंग, मुहावरा, लोकति और कुछ शब्दावली आदि कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं। लेकिन जो सामान्य अध्ययन होता है वो एज इट इज फॉर्म में पूछे जाते हैं, अर्थात जो सबसे लेंदी आपके सिलेबस का हिस्सा है वो समान है प्रारंभिक का भी और मुख्य का भी। तो जब भी आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें तो ये सोच के, ये दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तैयारी करें कि आगे आपको 100% सफल होना ही होना है। तत्क्रम में जब आप मुख्य परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे, बैठेंगे, एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो एक एक नंबर की आपको आवश्यकता होगी। उसका कारण क्या है, जब आप अच्छा न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि बेहतर रैंक लाते हैं तो प्रमोशन का जो चरण होता है फ्रेंड्स वो काफ़ी बेहतर होता है। प्रायः यह देखा गया है कि यदि बड़े बैच होते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, यदि बड़े बैच होते हैं तो एक ही बैच के युवा जो नीचे रैंक में स्थान प्राप्त किए होते हैं वो समीक्षा अधिकारी होते हैं, उन्हीं के बैच का जो अन्य युवा जो थोड़ा सा अच्छा रैंक लाता है वो अनुभाग अधिकारी होते हैं, उसी बैच के जो और बेहतर रैंक लाए रहते हैं वो अनुसचिव होते हैं, और उसी बैच के बहुत ही अच्छा रैंक लाए रहते हैं या टॉपर मान लीजिए तो और अच्छे रैंक के क्रम में उनकी पदोन्नति संयुक्त सचिव, विशेष सचिव तक के स्तर पर पहुँच जाती है, ठीक है। हालांकि जो समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित होते हैं उनका प्रमोशन का जो चरण है वो अल्टीमेट होता है, लेकिन मैं यहाँ कहना ये चाहती हूँ कि यदि आप रैंक को दृष्टिकोण में रख के तैयारी करते हैं तो आपकी जो तैयारी का जो चाशनी होता है वो काफ़ी मीठा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहूँगी तैयारी रणनीति के साथ ही आप करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें कि आप मात्र प्रारंभिक परीक्षा की नहीं तैयारी करेंगे बल्कि साथ में मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करेंगे, बशर्ते निबंध की तैयारी थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। और निबंध की बाद में क्या, बल्कि अगर आप चाहे तो मासिक हर महीने 1 से 2 निबंध की तैयारी कर सकते हो, उसके लिए मैं स्पेशल आपको क्लासेस उपलब्ध कराऊंगी जो अन्य सेवा में हैं उनके लिए। तो अब आप जानिए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या हो। सबसे पहले आप सिलेबस का अध्ययन कर लिए, आप सिलेबस पे देख लिए कि सामान्य अध्ययन का बहुत ही लेंदी सिलेबस है, उसका कारण है सामान्य अध्ययन में आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट है, करेंट अफेयर्स है, एज वेल एज रीजनिंग है, साथ ही आपका नगरीकरण हो गया, जनगणना हो गया, और भी कुछ छोटे मोटे जैसे सामान्य ज्ञान के हो गए। तो इस प्रकार से अच्छे खासे सब्जेक्ट आपके ये सामान्य अध्ययन में शामिल किया गया। हर एक सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी बेहतर, बहुत ही मतलब कि अगर उसे आसान ना कहा जाए तो इस प्रकार के होते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मतलब कि क्वालिटी बेस होते हैं। तो उसके लिए तैयारी के लिए आपको गहन अध्ययन
करने की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी क्या करें कि कम से कम प्रातःकाल 2 घंटा, जी हाँ प्रातःकाल यदि आप 5 बजे उठते हैं तो 5 से 7, या तो आप क्या करें कि 5 से 7 जीएस का एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। जीएस के एक महत्वपूर्ण पार्ट, जैसे 2 सब्जेक्ट को ले लीजिए, हिस्ट्री और आप साइंस को कवर करिए 5 से 7, और 7 से आप क्या करिए, 7 से लगभग 8:30 या 9 8:30 तक, सॉरी 7 से 7:30 तक आप क्या करिए कि जो सामान्य ज्ञान होता है लूसेंट का, उसका अध्ययन करेंगे। फिर से सुनिए, सुबह आपको 3 सब्जेक्ट पे कवर करना है, कौन कौन सा, हिस्ट्री, साइंस और जीके। जीके के लिए आप कितना घंटा दे रहे हैं, 1/2 घंटा दे रहे हैं, 1 घंटा हिस्ट्री को दे रहे हैं, 1 घंटा साइंस को दे रहे हैं। पहले इस क्रम को आरंभ करें, ठीक है। अब हम आते हैं आपके 5 बजे के बाद के शेड्यूल के। 5 बजे के बाद जब आते हैं घर, तो ये मान के चलिए 1 घंटा तो हो ही जाता है 6 बजे तक, और फिर 6 बजे के बाद आप चाय पानी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट मोड लेते हैं, तो 7 बजे तक, यानी 5 से 7 बजे तक आप अपना जो निजी कार्य है उसके लिए निकालिए। फिर 7 बजे से लेके आपको प्रत्येक दशा में 7 से 9 बजे तक, फिर यहाँ 2 घंटा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको लगाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, नियमित रूप से 2 घंटा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाना ही लगाना। फिर 9 बजे से लेके 10 बजे तक आप खाना वगैरह खाइए अपना, और जो भी रेस्ट वगैरह करना है वो करिए। फिर आप 10 बजे से लेके 11 बजे तक 1 घंटा यहाँ पर आप क्या करेंगे, शुरुआती दौर में हिंदी को अच्छे से पढ़ लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, लगभग 1 महीना अपने 6 टॉपिक को 2-3 रिवीजन कर लीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट में, अर्थात लास्ट 2 या 3 माह में आप 1/2 घंटा भी दें तो आपका हिंदी कवर हो जाए। उसका कारण है, मैं हिंदी पे इसलिए फोकस करती हूँ क्योंकि लगता है कि हिंदी बहुत ईजी है, लेकिन यदि इसको स्ट्रेटजी के साथ सतत तैयारी करते हैं फ्रेंड, तो आप बेहतर तरीके से इसको तैयार कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखें कि आपको ऑलवेज हिस्ट्री और साइंस सुबह नहीं पढ़ना है। जी हाँ, ऑलवेज हिस्ट्री और साइंस नहीं पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री ख़त्म होता है उसके बाद आप क्या इसको रख देंगे वहाँ पे, इकोनॉमिक्स। जैसे साइंस ख़त्म होता है उसके जगह पे आप रख लेंगे पॉलिटी, ठीक है। अब बचा अन्य आपके जीएस के पोर्शन, छोटे छोटे जो सब्जेक्ट आपके बच जाते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, जब अवकाश मिलता है, गजटेड अवकाश होता है, गजटेड हॉलीडे आपको जो मिलती है, तो उसमें आप लक्ष्य बनाइए कि आज आप प्रत्येक दशा में पॉलिटी को टोटल पढ़ लेंगे। जी हाँ, पॉलिटी को टोटल पढ़ लेंगे, बेयर एक्ट जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको आप टोटल पढ़ लेंगे। इसी प्रकार से अन्य अवकाश में आप लक्ष्य बनाइए कि आज मैं प्रत्येक दशा में सेंसस को कंप्लीट कर लूँगा। जो अन्य आपका अवकाश आपको मिले, जो कि डेफिनेटली है, मंथ में आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, अवकाश के दिन पूरे दिन, अर्थात उस दिन कहीं आपको जाना नहीं है, बल्कि आप टोटल उस दिन अपने एक एक छोटे छोटे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। छोटे छोटे सब्जेक्ट का क्या तात्पर्य, छोटे छोटे सब्जेक्ट का तात्पर्य हुआ इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, पॉलिटी, सेंसेस, यूपी, और बस ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। बाकी को आप क्या करिए, डेली रूटीन में रखिए, और जो आपके ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसको आप वीकेंड पे रखिए। यदि आपका 2 दिवसीय अवकाश है, सैटरडे एज वेल एज संडे, तो आप क्या करिए, दोनों दिन 6-6 घंटा आप क्या करिए कि ज्योग्राफी को पढ़ें। पहले कर ज्योग्राफी पढ़ने की मैं रणनीति आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप क्या करिए, एक सुनिश्चित, एक सारगर्भित, एक ऑथेंटिक पुस्तक का चयन करें, फिर हर एक टॉपिक को पढ़ें, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड मैप को अपने पॉलिटिकल और फिजिकल मैप से उसको रीड करें, उसको टिक लगाएं। तत्क्रम में ज्योग्राफी की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से होगी। फ्रेंड्स, मैं फिर आप सभी को बताऊं, ज्योग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चन मैप से पूछे जाते हैं, ठीक। तो किताब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप किताब से फैक्ट को जान सकें कि ये कहाँ है, क्योंकि आप मैप को देखेंगे तो आपको बस सिंपल कुछ लोकेशन दिख जाएंगे, पॉलिटिकल में बस जिले वगैरह दिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन सिचुएटेड दिखेंगे, बहुत होगा तो आप बॉर्डर की लाइन देख लेंगे कि इस स्टेट से यहाँ यहाँ लग रहा है। लेकिन जब आप एक टॉपिक वाइज अध्ययन करते, जैसे मान लीजिए आप उद्योग पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं, ठीक है। जब आप औद्योगिक नगर को देखते हैं तो फिर तुरंत आप उसी समय मैप में उस औद्योगिक नगर को आप क्या करिए, बोल्ड कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, औद्योगिक नगर को बोल्ड कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब क्वेश्चन यूपीपी आरओएआरओ में पूछा जाता है तो उसमें कई बार मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, औद्योगिक नगरी, धार्मिक नगरी या लौह उत्पादन क्षेत्र। तो ये चीज़ आपको इस
टिप्स पे पता चलेगा। जैसे मानिए लौह उत्पादन क्षेत्र से संबंधित टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन से लौह उत्पादन क्षेत्र है भारत में और विश्व में, उन सभी को आप अपने मैप में न सिर्फ टिक करिए बल्कि वहाँ पे लिख भी दीजिए अपने हाथ से कि यहाँ यहाँ लौह उत्पादन ये क्षेत्र है। तत्क्रम में फ्रेंड्स ये सारी चीज़ जो लोकेशन है, लोकेशन के साथ साथ आपके जो फैक्ट है वो भी तैयार हो जाते हैं। यही एक अच्छी रणनीति होती है कि आप पहले क्लियर हो कि आपका क्या टाइम टेबल हो, क्या स्ट्रेटजी हो, और उसी क्रम में जब वीकेंड पे आपको करेंट अफेयर 4 से 5 घंटा डेली मतलब पढ़ना है, डेली का मतलब वीकेंड पर सैटरडे या संडे, यदि आपका 2 दिवसीय है तो सैटरडे संडे करेंगे और यदि 1 दिवसीय है तो 1 दिवस में करेंगे। लेकिन मैं यहाँ फिर बताऊँ कि आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन नियमित रूप से 2 घंटा देना ही देना है। घटना चक्र का पूर्वावलोकन आप सभी को इसलिए मेरे द्वारा बताया जाता है ताकि आप परीक्षा से संबंधित जो पैटर्न है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, किस क्वेश्चन को कैसे रिपीट करने के क्रम में क्या उसमें बदलाव किया जा रहा है, एक ही क्वेश्चन को कई रूप से कैसे पूछा जा रहा है, इन सभी चीज़ों को बता दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को यही कहना है कि आप सभी अवश्य इस रणनीति को फॉलो करें, और आप सभी को यह भी बताना है कि आप सभी दृढ़ इच्छा शक्ति जो कि आपके भीतर मौजूद है उसको पहचानिए, आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्लासेस में अन्य जो महत्वपूर्ण रणनीति है वो आप सभी को मेरे द्वारा बताई जाएगी। निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप सभी सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।